Technology, QC, Minister, Mentor, Minister of Defense and Rhetorics of Republic of Mauritius, Honorable Deputy Minister Commerce, Thailand, Ms. Punya Krupasara, और सभी गणमान्य अतिथियों का, महानुभावों का हम हृदय से अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। पोटेंशियल प्लस पॉलिसी प्लस प्लानिंग प्लस परफॉर्मेंस से ही प्रोग्रेस आती है। अब यूपी में सुपर हिट परफॉर्मेंस देने के लिए मुझे विश्वास है कि योगी जी की टीम तैयार है, यहां के नागरिक तैयार है, यहां का मानस बना हुआ है। मैं अभी दो दिन पहले महाराष्ट्र में मुंबई में ऐसी एक इन्वेस्टर समिट में गया था और महाराष्ट्र की सरकार ने अपनी राज्य व्यवस्था को ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी में बदलने का लक्ष्य रखा है। मैं आज आपके बीच एक और विचार रख रहा हूं, क्या महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में इस बात की कंपटीशन शुरू हो सकती है क्या? दोनों में से कौन सा राज्य पहले ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी के लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है? मुझे जानकर खुशी है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने इस महत्वपूर्ण तथ्य को ध्यान में रखते हुए वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना शुरू की है। मैं समझता हूं अपने आप में ये गेम चेंजर है। हम क्लस्टर अप्रोच से परिचित थे, लेकिन वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट एक पूरी होलिस्टिक इकोसिस्टम पैदा करता है। इस योजना के माध्यम से स्थानीय स्तर पर स्किल डेवलपमेंट, प्रोडक्ट की मार्केटिंग, पैकेजिंग, ब्रांडिंग, उसके कार्य भी बहुत ही आसानी से किए जा सकते हैं। बुंदेलखंड के विकास को विशेष तौर पर ध्यान में रखते हुए अब यह तय किया गया है कि यूपी में डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का विस्तार आगरा, अलीगढ़, लखनऊ, कानपुर, झांसी और चित्रकूट तक पूरा बेल्ट होगा। इस कॉरिडोर में 20,000 करोड़ रुपए के निवेश की संभावना है और ये करीब करीब 2.5 लाख लोगों के लिए रोजगार के नए अवसर निर्माण करेगा। टूरिज्म को कई बार मल्टीप्लायर फॉर ग्रोथ के तौर पर भी देखा जाता है। उत्तर प्रदेश में ऐतिहासिक सांस्कृतिक विरासत चारों तरफ है। कला की अनेक विधाएं इस उत्तर प्रदेश में मौजूद है। आवश्यकता टूरिस्ट सेंट्रिक इकोसिस्टम को मजबूत किए जाने के लिए हेरिटेज टूरिज्म, हैंडीक्राफ्ट टूरिज्म, इको टूरिज्म, वाइल्ड लाइफ टूरिज्म, विलेज टूरिज्म, इतनी ही संभावनाएं यूपी में हैं जिन्हें और बेहतर तरीके से टैप किया जा सकता है।